घूंगे कभी बोला नहीं करते, हमें तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया था, लेकिन बॉलीवुड का हाल तो हमेशा से ही उल्टा रहा है। ये तो अच्छे खासे बोलते हुए इंसान को घूंगा बना देते हैं। वो क्यों? वो यूं कि शायद उस इंसान की बकवास किसी को रास ही नहीं आती हो, मुंह खोलते ही बकवास टपकने लगती हो। क्यों तुषार, सही कहा ना हमने? ये आप कोड लैंग्वेज में बोलते ही सही दिखते हैं। ये हमने सुना है कि जब आपने रिसेंटली एक शो पर अपनी एक्चुअल भाषा का प्रयोग किया तो आपकी जुबान ऐसी फिसली कि काबू में ही नहीं आ पाई। अब सबको हम एडवाइस दे रहे हैं तोल मोल के बोल, पर आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है कि तोल मोल के ही मुंह खोल, वरना अपनी कोड लैंग्वेज में ही बोल। आखिर आपने ऐसा क्यों किया हमारी प्यारी प्रीति सिंटक के साथ? हाँ, क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? कहीं अपनी मुंह फट बहन के गुण आप में भी तो नहीं आ गए? क्या कहा आपने प्रीति के बारे में कि व्हेनेवर यू थिंक ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी द नेम दैट कम्स टू योर माइंड इज प्रीति जिंटा? तुषार भैया, जिनके घर शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये तो प्रीति जिंटा थी, क्या इसी बकवास के बावजूद आपकी ज्यादा वाट नहीं लगाई उन्होंने? अगर कहीं किसी बिगड़ेल हस्ती का नाम ले लेते ना तो समझ में आ जाता। थोड़ा तो आपको अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। वैसे आप अब हमेशा ही अपनी गोलमाल भाषा में क्यों नहीं बोल लेते हैं? इससे सबको लगेगा कि तुषार एक छोटा सा प्यारा सा खोटा सा बच्चा है। फॉर फ्यूचर सेक तोल मोल के बोल तुषार एट नंबर 3।